नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां आज देश भर में शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार जलाभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं लक्सर में भी शिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिरों में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर पर सुबह से ही शिव भक्तों की जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर यहाँ भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांग रहे हैं। शिव भक्तों का कहना है कि यहाँ भगवान शिव के मंदिर पर सच्चे मन से जलाभिषेक करने से जो मन्नत मांगी जाती है उसे भगवान जरूर पूरा करते हैं। मंगलवार को जीआईसी नारायणबगड़ के खेल मैदान में एक यूके बटालियन प्लाटून गोपेश्वर के द्वारा सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट्स की भर्ती का आयोजन किया गया। एनसीसी सीनियर डिवीजन भर्ती में डीजीआईसी और जीआईसी से 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिनमें डीजीआईसी से 30 छात्राओं तथा जीआईसी से 40 छात्राओं ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया। फिजिकल टेस्ट के बाद 17 गर्ल्स और 18 बॉयज कुल 35 छात्र छात्राओं को रिटर्न परीक्षा में शामिल किया गया, जिसमें से 18 सीनियर डिवीजन तथा 7 गर्ल्स कैडेट्स ने रिटर्न परीक्षा पास की। इस दौरान बाकी एनसीसी कैडेट्स का विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी लिए गए हैं। बिजनौर में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक धार्मिक स्थल के सामने बने गेट की सड़क पर बुजुर्ग ने 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की है। पुलिस नमाज बुजुर्ग की तलाश में जुटी हुई है। थाना किरतपुर के मोतीचूर गेट का ये पूरा मामला। सुल्तानपुर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां आरटीओ की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें विभाग के ड्राइवर और सिपाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौनी की है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से कादीपुर की ओर चादर लदा एक ट्रक जा रहा था, तभी सुबह के समय आरटीओ के सिपाही अरुण सिंह और चालक मुबीन खान माधवपुर के पास चेकिंग में लगे हुए थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों ही घटनास्थल पर उनकी जान चली गई और वहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान भीषण हादसा हो गया। यहाँ पर जो टीम है वो चेकिंग कर रही थी वाहनों की, तभी एक ट्रक आता हुआ नजर आया, उसे रोकने का इशारा किया तो ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है और इसके साथ ही एआरटीओ के सिपाही अरुण सिंह ने भी अपनी जान गंवा दी। तो सुल्तानपुर का एक पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से कादीपुर की ओर ये ट्रक जो है आ रहा था, तभी सुबह रोकने का इशारा किया गया लेकिन ट्रक नहीं रुका, उल्टा गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें विभाग के ड्राइवर और सिपाही की मौत हो गई है। तो एआरटीओ की टीम द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही थी, वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इस दौरान एक ट्रक ने टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे विभाग के ड्राइवर और सिपाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौनी की बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि सुल्तानपुर से कादीपुर की ओर चादर लदा एक ट्रक जा रहा था, तभी सुबह के समय आरटीओ के सिपाही अरुण सिंह और चालक मुबीन खान माधवपुर के पास चेकिंग में लगे हुए थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। इसके बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी फरीद अहमद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फरीद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखा जाए तो देश में तीसरी घटना ऐसी है जहां पर चेकिंग के दौरान, माफियाओं को पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों सिपाहियों पर इस तरह से गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं। जी जरूर, ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान लग रहा है हमारी कानून व्यवस्था पर, खासतौर से ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश में, खासतौर जहाँ की होगी। फरीद, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
रही है जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है जरूर एक कानून पर सवालिया जिस तरीके से माफियाओं और फरीद आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हूं। तो सुल्तानपुर का एक पूरा मामला है, आपको बता दें कि एक सप्ताह में तीसरी ऐसी घटना है जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और अब यूपी, जहां पर अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में चेकिंग के दौरान या भू माफियाओं की जानकारी मिली थी उन्हें रोकने के लिए, वहाँ पर डीएसपी पहुँचे थे और ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सुल्तानपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। मेरे सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। फरीद, देखा जाए तो सुल्तानपुर में ये मामला कब का है, कितने बजे का है और क्या जो ड्राइवर फरार है ट्रक का उसकी तलाश की गई है? जी मैं बता दूं, आज सुबह तड़के की घटना है, जब प्रवर्तन आरटीओ का प्रवर्तन दल चेकिंग कर रहा था तो करीब लगभग 4 बजे के आसपास एक टीम की चादर लगी हुई ट्रक गुजर रही थी, उसको शायद हाथ देने की कोशिश या चेकिंग करने का प्रयास किया गया और रौंदते हुए निकल गई, जिसमें से ड्राइवर की ऑन स्पॉट मौत हो गई और एक सिपाही की ऑन स्पॉट मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सारे पहलुओं की जांच कर रही है। ड्राइवर वहां से चंद कदम की दूरी पर ही ट्रक छोड़ करके फरार हो गई है। इस पूरे मामले पर किसी प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? शासन से नहीं, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटा हुआ है, सख्ती से जांच कर रहा है, तेजी से कार्रवाई कर रहा है और जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया। और आपको बता दूं, जिस तरह से योगी सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त नजर आती है रही है, ये घटना जरूर एक आम जनमानस के जहन में सोचने वाली बात पैदा कर रही है। इस तरह की घटना सुबह सवेरे तड़के हो जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर सुबह सुबह चेकिंग के दौरान आरटीओ विभाग के ड्राइवर और सिपाही को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई है, जिसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी तलाश की जा रही है आरोपी की, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बस्ती जिले के अरैया थाना के एनएच 28 पर बाइक सवार कांवड़िए के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता और बृजकिशोर गुप्ता, जो अयोध्या के थाना रुनाही के रहने वाले थे, जो बस्ती के भदेश्वर नाथ में जल चढ़ाकर वापस बाइक से घर जा रहे थे, अचानक नींद की झपकी आने से बाइक हाईवे के रेलिंग से टकरा गई। बाइक सवार कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अरैया सीएससी में भर्ती कराया, जहां पर एक कांवड़ियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें दो कांवड़िया लोग थे, जिसमें प्रदीप कुमार गुप्ता और दीपू, जो कि बाइक चला रहे थे, और पीछे उनके साथी ब्रजकिशोर गुप्ता, जो कि ये लोग दोनों लोग मूल निवासी सोहौल बाजार थाना रौनाही जनपद अयोध्या के रहने वाले थे। ये रात्रि में वहाँ पे निकले थे और भद्रेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर, प्रातः लगभग इन्होंने 6:30 बजे जलाभिषेक कर लिया था और जलाभिषेक के बाद ये प्रस्थान कर बस्ती से अपने घर वापस जा रहे थे। लगभग 9:45 के आसपास विशाल नर्सिंग होम के सामने नेशनल हाईवे पर जो रेलिंग है उससे इनकी बाइक इनको झपकी आने के कारण टकरा गई, जिससे जो चालक थे प्रदीप गुप्ता और दीपू, उनको काफ़ी गंभीर चोटें सर में आई और दूसरे साथी भी उनके घायल हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खरिया शैलेश सिंह अपनी टीम के साथ पहुँचे। ग्लोकल यूनिवर्सिटी में सप्ताह भर से पास के जंगल से उतरकर आए जंगली तेंदुए ने अपनी दहशत फैलाकर ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहित आसपास के ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर दिया था, जिसको पकड़ने के लिए ग्लोकल प्रशासन की ओर से स्थानीय बेहट वन रेंज की वन विभाग की टीम को सूचना दी गई थी। जिसके बाद ग्लोकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जंगली तेंदुए को पकड़ने के लिए गहरी झाड़ियों के बीच एक लोहे का पिंजरा लगाया था, जिसके चलते वन विभाग की टीम के द्वारा कड़ी मेहनत कर ग्लोकल यूनिवर्सिटी में आवारा घूम रहे जंगली तेंदुओं को सोमवार की सुबह करीब 4 बजे लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया गया, जिससे
दहशत में ये रहे। ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहित आसपास के ग्रामीणों ने राहत भरी सांस ली है, जिसके बाद वन विभाग की टीम की ओर से जंगली तेंदुए पकड़े जाने की सूचना शहर को दे दी गई है और घटनास्थल पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़े गए जंगली तेंदुओं को बादशाही बाग वन रेंज में भिजवाया है, जहाँ से उसे किसी दूर के जंगल में छोड़ा जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ के विरोध में रुद्रपुर स्थित अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज देखिए केंद्र सरकार की जो विध्वंसकारी नीतियां हैं, दलित नीतियों के विरोध में, और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कर रही है, और हमारे जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ और आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर, जिसमें कहीं सच्चाई नहीं है, जो सत्य से परे हैं, मिथ्या आरोप हैं, उसके जरिए कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़ी डबल टेकर बस में दूसरी तेज रफ्तार डबल टेकर बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 35 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कईयों की हालत बेहद गंभीर है। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी डबल टेकर बस। मौके पर मौजूदा पुलिस और रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को सीएससी हैरतगढ़ में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को रेफर किया गया। लोनीकटरा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर मधरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले बिहार के 8 लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला, जहां पर सुबह सुबह भीषण हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक डबल टेकर बस ने दूसरी डबल टेकर बस में टक्कर मार दी, जिससे 8 यात्रियों की मौत हो गई है, और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के भी वर्कचे उड़ गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 8 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, 35 से ज्यादा यात्री घायल हैं। किन की हालत ज्यादा गंभीर है और कौन खतरे से बाहर है? जी, ये पूरा मामला हैदरगढ़ स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का है, जहाँ पे जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। और डबल टिकट बस में 80 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें से 35 से ज्यादा घायल है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? हादसे की वजह, ये यूपीडी का एक कैंटीन है, जहाँ पे एक बस खड़ी हुई थी पहले से। सुबह 4 बजे का समय था, तो डबल टेकर बस ने आगे पीछे से टक्कर मार दी खड़ी बस में, जिससे जो है बुरी तरीके से डबल टेकर बस घायल हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी का एक पूरा मामला है, जहां पर सुबह सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। एक बस खड़ी हुई थी, तभी अचानक से तेज रफ्तार से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बिहार के रहने वाले 8 लोगों की जान चली गई है, और जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए की धनराशि की बात भी यहाँ पर कही है। उत्तरकाशी में सावन की शिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ समेत तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। रिमझिम बारिश के बावजूद मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम से भोले भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। पुरोहित माने तो सावन की शिवरात्रि में एक बूंद जल चढ़ाने का भी अपना महत्व है। इस महीने जो भक्त सच्चे मन से शिवालय में भोले को जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण के साथ कई फल की प्राप्ति होती है। और वही स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और स्नान करके थराली कल्प केदार मंदिर में जलाभिषेक भी कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और इसके अलावा तमाम और कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के नायरपट्टी गांव में धान की रुपाई करने गई महिला घर के लिए वापस आ रही थी, अचानक बादल गरजा और आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले खटीमा मार्ग पर बाघ का वीडियो बनाना राहगीर को महंगा पड़ गया। देखते ही देखते कार सवार युवक को बाघ ने दहाड़ के साथ कार के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इतने में राहगीर कार सवार युवकों ने बाघ का दहाड़ते हुए वीडियो बना दिया। गनीमत रही कि कार की रफ्तार तेज होने से राहगीर बार बार बच गए। वहीं पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग ने इस तरह की हरकत करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कही है। वायरल वीडियो माधो टांडा खटीमा मार्ग से सटे जंगल रोड का बताया जा रहा है। आगरा में बस पलटने से भीषण हादसा हो गया, बाल बाल सवारियों की जान बच गई है। हादसे में कुछ सवारियां घायल हुई हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। सवारी से भरी थी बस, बताया जा रहा है कि राजस्थान से बलरामपुर ये बस जा रही थी। निजी बस हादसे का शिकार हो गई। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के जगराजपुर गाँव का ये पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।